Alright, so CA Foundation results have come up. If you have cleared it, then loads of congratulations to you and your entire family from CA Foundation classes team's end. But if you could not make it, then this is a must-watch video for you. Because, yaar, ye experience mere paas bahut hai ki bahut har baar, you know, attempts hote hain, results aate hain, bahut sare bachche nahi clear kar paate hain. But then, un bachchon ka confidence kaise boost karna hai aur unko kya sahi baatein batani hai, wo mujhe experience se batane ka aur wo next attempt mein clear kar le jaate hain. To aise koi bahut badi tension ki baat nahi hai. Dekhiye dosto, kya hai ki अब ना कुछ चेंजेस हैं, आपके लिए बहुत अच्छी बात है. अगर आप फेल भी हुए हैं तो भी आपके लिए एक अच्छी बात है. अब आप बोलोगे क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास चांस और जल्दी आ जाएगा एग्जाम देने का. आपको दिसंबर तक का वेट नहीं करना. आपको पता है कि 13th of September को आप फिर से पेपर दे सकते हैं, राइट? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा. मैं कुछ बातें बताऊंगी, उनके ऊपर सोच विचार करिएगा. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मुझे सीएफ नहीं करना है. तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार शुड आई क्विट शुड आई नॉट एंड व्हाट पैरामीटर्स यू नो विल हेल्प मी डिसाइड कि शुड आई क्विट और नॉट, प्लीज़ उसके ऊपर वीडियो बनाइए. तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखो अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आएंगे कि हाँ दीज आर द पैरामीटर्स जेन्युइन जिनको आप कंसिडर करो. तो शायद सी आपके लिए नहीं बना है या फिर बना है, कुछ और प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप फेल हो गए. तो सब चीज़ एक एक करके पिकअप करेंगे, राइट? अब देखो यार, क्या है कि हर बार 70% स्टूडेंट्स फेल होते हैं सी ए फाउंडेशन में. अब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि एकदम ही, जिनको पढ़ने लिखने से कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, वो ना कुछ तैयारी कर रहे होते हैं ना यू नो रिविजन्स कर रहे होते हैं. रिविजन तो छोड़ो, मॉक्स तो छोड़ो, उनकी तैयारी नहीं होती है. तो उन बच्चों को तो मैं काउंट ही नहीं करती, क्योंकि वो बच्चे हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं या फिर एटलीस्ट एंड के 2 महीने में उन्होंने बहुत मेहनत की है बट वो क्लियर नहीं कर पाए. तो मेरी बात उन बच्चों से हो रही है. अब अगर आप इस कैटेगरी में कि आप मेहनत करने के बाद भी क्लियर हैं या फिर आप थोड़ा सा यू फेल शॉर्ट ऑफ मेहनत थोड़ा सा, तो आप इस बात को सुनना. फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल होते हैं, राइट? क्योंकि हो सकता है 3 सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स हों या फिर 12th तक बहुत अच्छे मार्क्स आए हों, बट समथिंग इज नॉट वर्किंग हियर. या फिर शायद ऐसा हो रहा हो कि आपको पता हो, अभी वीडियो देखते वक्त आपको पता है कि आपकी गलती क्या थी. आपको पता है कि यार मैंने रिविजन नहीं किया, आपको पता है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की, आपको पता है कि मैंने पहले तो पढ़ा था बट कहीं ना कहीं अब याद नहीं था, या फिर मेरी स्पीड अच्छी नहीं थी, या फिर मेरी राइटिंग अच्छी, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, या फिर शायद मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं था, या फिर अकाउंट्स बिल्कुल वीक था, या फिर लॉ बिल्कुल वीक था, या फिर इको बिल्कुल वीक था. तो द पॉइंट इज दैट यू आर अ प्रोबेबल कैंडिडेट टू क्लियर सी ए फाउंडेशन, बट यू कुड नॉट मेक इट बिकॉज ऑफ वन और द अदर शॉर्टकमिंग्स, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज टफ फॉर श्योर. लाइफ में ये कहना या फिर एग्जाम्स में ये कहना कि यार मेरी तो पूरी तैयारी थी, हाँ एक चीज में गलती थी उस वजह से फेल हो गए, तो यार समझ नहीं आ रहा. सी द पॉइंट इज कि यू विल हैव टू बी अबव एवरेज इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स. नाउ हियर मी आउट व्हेन आई से दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. अपने स्कोर कार्ड उठाओ, देखो कि तुम्हारे मार्क्स क्या है. दीज मार्क्स आर द मिरर, ये आपको दिखा रहे हैं कि आपकी प्रेपरेशन कैसी थी. बिकॉज प्रेपरेशन इक्वल सक्सेस, प्रेपरेशन फॉर श्योर इक्वल सक्सेस. उसमें कुछ इधर उधर नहीं हो सकता, राइट? रिजर्वेशन तो है नहीं सीए में. तो आपके अकाउंट्स की जो प्रेपरेशन थी वो 19, 19, 20 करके वो दिखी रही होगी, राइट? अब आपको कहना नहीं पेपर बहुत टफ आ गया था, तो पेपर टफ आ गया था तो भी आप कैसे मार्क्स आए? आपको तो हाईएस्ट टफेस्ट पेपर की तैयारी करनी है ना, तैयारी करनी है कि टफेस्ट पेपर आएगा. हल्के में तो सीए नहीं होता, तब तो बीकॉम ही आपके लिए है. तो आप अपना रिजल्ट उठाओ और आप स्कोर कार्ड में देखो कि यार मेरा पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 में कौन से ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हैं जो मूविंग फॉरवर्ड, अब जो हो गया वो हो गया, कौन से ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसको मैं ऐसी तैयारी कर सकता हूँ कि टफ से टफ पेपर आए फिर भी मैं 90 मार्क्स का तो अटेम्प्ट करके आऊँ, अच्छे से अटेम्प्ट करके आऊँ. क्या आपको उन 2 सब्जेक्ट्स को बहुत ही ईजिली पिकअप कर पा रहे हो? बताओ. अगर आप पिकअप कर पा रहे हो तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन दोज 2 पेपर्स. नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज फॉर एवरी इवन रैंकर देर इज 1 or 2 सब्जेक्ट इन एवरी ग्रुप इन एवरी लेवल ऑफ सी ए कोर्स जो कि उसको नहीं अच्छा लगता होगा. फॉर इंस्टेंस हो सकता है मैथ्स ना अच्छा लगता हो सकता है अकाउंट्स या फिर लॉ ना अच्छा लगता हो. तो आपसे किसने कहा है कि आपको 400 में से 380 लाने हैं तभी आप पास हो गए? आप देखो ना यार, रैशनल थिंकिंग करो कि आपको उसमें से 50 ही तो लेकर के आने हैं. तो अगर हम 50 की बात करें और वो भी हर सब्जेक्ट में सिर्फ 50 लेकर के आने हैं, तो आप बहुत आसानी से कोई 2 ऐसे सब्जेक्ट पिक कर सकते हो जिसमें आप 70, 80, 90 की तैयारी करो और बाकी के 2 सब्जेक्ट में आप 50 तो ला सकते हो. अब उन पुअर सब्जेक्ट की बात करते हैं. पुअर नहीं कहेंगे, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता इसलिए वो पुअर हो जाता है. जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो जाए वो बेकार सी चीज़ अच्छी हो जाती है, जिसमें इंटरेस्ट ना हो वो अच्छी से अच्छी चीज़ बेकार हो जाती है. तो सब इंटरेस्ट की तो बात है. तो वो जो आपके 50 वाले मार्क्स के हैं जो पुअर रहेंगे आपके, उसमें भी क्या आप ऐसे चैप्टर्स फाइंड नहीं कर सकते जिसमें आप 50-60 कर लेकर के आ जाओ? आप कहोगे मैम कहने में आसान है. भाई कहने में आसान नहीं है, मैंने खुद सीए फाइनल में सीए इंटर में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स क्लियर किए हैं, 50 ला करके क्लियर किए हैं. मुझे लगता था कि नहीं इसमें 50 लाना है और बाकी जो मेरे बहुत इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं
मैं उसमें 90 का टारगेट करती हूँ, उसमें 70-80 आ जाते थे फॉर श्योर. तो ये करते हुए बाकी अब रिजल्ट आता है तो उसके बाद बहुत बुरा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, उसमें से गो थ्रू करो, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. और ऐसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपको रेडी करती है कल के फ्यूचर के रियल लाइफ फेलियर्स के लिए. तो इट्स फाइन, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. कुछ गलती की होगी, उसको सुधारो. सुधारोगे नहीं तब बेवकूफ़ी कर रहे हो, तब वो रियल फेलियर हुआ. एक बार अटैम्प्ट में फेल हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. तो ये चीज़ करो आप, ठीक है. आपको इस वीडियो से क्या लर्न करने को मिला इसको कमेंट में लिखो. मैं सारी बातें एक ही वीडियो में नहीं बताना चाहती. अब क्विट करना है, क्या करना है, इसके ऊपर अलग वीडियो आएगी. और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे मैं आपको एक चेकलिस्ट दे दूंगी, ब्लूप्रिंट टाइप का दे दूंगी कि यार चीट शीट कि इस चैप्टर को आप स्टार्टिंग से करो अगर आप फेल हुए हो तो उसको भी देखना उस वीडियो को, ठीक है. एंड दैट्स ऑल विच आई वॉन्टेड टू शेयर. एंड थोड़ा सा स्टार्टिंग में बुरा लगता है व्हेन योर रिजल्ट्स आर नॉट दैट ग्रेट. पेरेंट्स कहते हैं, कुछ टीचर्स कहते हैं, फ्रेंड्स आगे निकल जाते हैं, तो वो थोड़ा सा एक झटका लगता है, कॉन्फिडेंस बुरा लगता है. लेकिन वहाँ पे रुकना नहीं है, याद रखना. वो अगर बुरा लगने लग गया ना तो आप बहुत पीछे हो जाओगे. और काफ़ी देर के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को, इन सारी चीज़ों को अपने से दूर रखो, क्योंकि ये क्या करता है ना, धीमे 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 आपका टाइम पास कर देता है. और कोई गलती नहीं है, सोशल मीडिया की बस एक गलती है और चैटिंग एप्लीकेशंस की बस एक गलती है कि आपका टाइम सुबह से 9 से 10, 10 से 12, 12 से 2 कब बच जाएगा पता नहीं चलेगा. और सिर्फ ये चीज़ ना हो, आप सिर्फ म्यूज़िक भी सुन रहे हो तो आप काफ़ी क्लियर होगे कि हाँ यार क्यों झमेले में पड़ रहे हैं, यार जो कर रहा है एक बार में करके ख़त्म करो. करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, आगे बढ़ो. बहुत सारी चीज़ें हैं. तो वो सोशल मीडिया को कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट छोड़ दो, एक क्लैरिटी मिलेगी. बिकॉज आई ऑल्सो गो थ्रू सिमिलर फेजेस एंड आई डू दिस और मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, राइट. तो विद दैट नोट, I am giving you more power and more confidence that things, situations like these can be taken care of very easily. It's just that you need to have the right set of guidance and right lightning moment, na? कि यार एकदम lightning moment हो गया, हाँ यही करना है अब. So yeah, that's about it.